देखो बच्चों, यहां पर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि काउंटेबल नाउन होता है और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, दोनों मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊं, काउंटेबल नाउन जो होता है मतलब जिसको तुम ऐसा नाउन जिसको तुम काउंट कर सकते हो, फिंगर पे काउंट कर सकते हो, वो काउंटेबल नाउन है। तो जब भी काउंट कर रहे हो इसका मतलब मोर देन वन है, ठीक है, एक से ज्यादा हो रहा है। जब एक से ज्यादा हो रहा है तुम समझो, तो यहां पर वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर माने एक, एक समान कोई भी एक चीज, और प्लूरल माने एक से ज्यादा, जैसे मोर देन वन, एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें ये क्या है, ये है लीफ, क्या है, लीफ, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें, ठीक है, यहां पर तीन लीफ है, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, LEAVES, लीव्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सिंगुलर, ठीक है, और ये हुआ प्लूरल, ठीक है। क्यों प्लूरल? क्योंकि यहां पर मोर देन वन है, यहां पर थ्री है, ठीक है, थ्री इज मोर देन वन, तीन लीव्स है ना, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो भी एक से ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे लीफ अकेला है तो वो सिंगुलर है। इस तरह से तुमको जो नाउन में तुम्हें ये लीफ दिखाया हूं, एक एग्जांपल दिखाया हूं, यहां पर मैन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है। जैसे बोलो सिटी, ठीक है, सिटीज, बहुत सारा सिटी, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जब होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ज्यादा और कम लिखने के लिए हम यूज क्या करते हैं, वहां पर स्क्रीन पर वीडियो में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं, हम लोग यूज करते हैं ए फ्यू या मेनी। कम के लिए हम तो हर बार काउंट नहीं करेंगे, जैसे पेड़ में अगर हम पत्ते को बारे में कुछ बता रहे हैं तो क्या पेड़ के पूरे पत्ते को काउंट करेंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे बहुत सारे पत्ते हैं। अगर हम कहीं एक्सीडेंट हुआ रोड में, अगर वहां पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गई, तो बहुत सारे आदमी थे, तो क्या जब तुम किसी को बताओगे कि वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ, वहां पर मैंने बहुत सारे आदमी को देखा, ठीक है, हाँ, आई सॉ मेनी पीपल, क्या यूज करोगे, मेनी, ये देखो मेनी आ गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखो कोई एक्सीडेंट हुआ, वहां पर दो ही तीन आदमी थे, तो कहोगे आई सॉ ए फ्यू पीपल, ठीक है, ऑन दी रोड, क्लियर, ठीक है। जैसे हम वहां पर, जैसे मान लिया ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहां पर मान लिया एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर तुम देख रहे हो यहां पर एक आदमी, दो आदमी खड़ा है या तीन आदमी खड़ा है, और यहां पर दूसरा एक्सीडेंट दिखा रहे हो, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, यहां पर बहुत सारा आदमी लोग खड़ा है, बहुत सारा भीड़ है, ठीक है, समझा रहा। तो यहां पर तुम काउंट नहीं कर सकते हो, तो तुम यहां कहोगे कि मैंने कुछ आदमियों को देखा, तो यहां लिखोगे कैसे, आई सॉ ए फ्यू, ठीक है, फ्यू मेन ऑन दी रोड, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। लेकिन अगर यहां पर बहुत सारे आदमी है, एकदम क्राउड, भीड़ जैसा, तो क्या लिखोगे, आई सॉ मेनी मेन, ठीक है, ऑन दी रोड, समझ में आ रहा है। तो यहां पर एफ्यू का इस्तेमाल तुमको देखा है और यहां पर मेनी का इस्तेमाल देखा है। इस तरह से जहां भी नाउन को कम और ज्यादा लिखने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे, प्रयोग करोगे, वहां पर थोड़े के लिए एफ्यू बोलोगे, ज्यादा के लिए मेनी बोलोगे। किस केस में, काउंटेबल नाउन केस में, जिसको तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, यहां पर तुम देख रहे हो कि मैं लिखा हूं ए लिटिल और मच, ठीक है। जब हम अनकाउंटेबल नाउन का बात करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हुआ वाटर या मिल्क, ठीक है, एयर, ऑनेस्टी,
ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे नाउन हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने चार पानी पिया, कभी सुने हो ऐसा बात? नहीं। मैंने 50 ऑनेस्टी देखा, ऐसा कभी सुने हो? नहीं होता है। ठीक है, इन शब्दों ऐसे नाउन के लिए हम लोग थोड़े के लिए यूज करते हैं ए लिटिल, और ज्यादा के लिए यूज करते हैं मच। अगर हम तुमको बोले यहां पर एक ग्लास में थोड़ा सा दूध है, तुमको थोड़ा सा दूध मिला है, तो तुम कह सकते हो आई हैव गॉट ए लिटिल मिल्क। तुम क्या लिखोगे? आई हैव गॉट ए लिटिल, ठीक है, ए लिटिल मिल्क, ठीक है, राइट। और इसमें तुमको पूरा ज्यादा दूध मिला है तो क्या कहोगे? आई हैव गॉट मच मिल्क। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट मच मिल्क, ठीक है। तो क्या है मच का यूज? ज्यादा के लिए। ए लिटिल का यूज कम के लिए। कब? जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये इसको प्रैक्टिस करोगे और ये फिल इन द ब्लैंक करोगे, राइट। तो ये वीडियो था काउंटेबल अनकाउंटेबल को, ये सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, राइट। सी यू नेक्स्ट।